और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, रूसी कमांड पोस्ट पर यूक्रेन की सेना ने हमला कर दिया है और यह हमला यूक्रेन ने ड्रोन के जरिए किया है, जिसमें रूसी कमांड पोस्ट पूरी तरह से तबाह हो गया है। यूक्रेन की सेना ने जो वीडियो जारी किया है उसमें साफ दिख रहा है कि हमले के बाद रूसी कमांड पोस्ट तबाह हो चुका है, वहां पर धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है और ये वीडियो जारी किया गया है यूक्रेन की ओर से, ड्रोन से यह अटैक किया गया है। रूसी कमांड पोस्ट यहाँ पर थी जिसको ध्वस्त कर दिया गया। यूक्रेन ने दावा किया कि उसके पलटवार से भड़के रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना के कई अफसरों पर गाज गिरा दी और अपने दावे में यूक्रेन ने कीव पर कब्जे में हो रही देरी को पुतिन के भड़कने की वजह बताया। साथ ही ये भी दावा किया गया कि इसी नाराजगी में पुतिन ने रूसी सेना के 8 बड़े अधिकारियों को बर्खास्त भी कर दिया। ये भी कहा गया कि सटीक जानकारी जुटाने में नाकाम और खराब रणनीति बनाने के लिए व्लादिमीर पुतिन ने अपनी खुफिया एजेंसी FSB पर भी नाराजगी जताई। यही नहीं, यूक्रेन के मुताबिक पुतिन को यह जानकारी दी गई थी कि हमला शुरू होने पर ज़ेलेंस्की आसानी से हार मान लेंगे, जिस पर भरोसा कर रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला बोल दिया था और रूसी सेना ने कुछ दिन के अंदर ही यूक्रेन की राजधानी कीव की घेरेबंदी भी कर ली थी। लेकिन जंग शुरू होने के 2 हफ्ते बाद भी रूसी सेना अब तक राजधानी कीव के अंदर दाखिल नहीं हो पाई और अगर यूक्रेन का दावा यहां पर सामने आता है कि इसी वजह से रूस को अपनी रणनीति बदलने के लिए मजबूर भी होना पड़ा। और महायुद्ध के 18वें दिन यूक्रेन से बड़ी खबर सामने आ रही है, युद्ध शुरू होने के बाद करीब 2,20,000 यूक्रेनियन लोग अपने देश लौट आए हैं। ये लोग अपने देश के भविष्य के लिए रूस के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। यूक्रेन लौटे लोगों में ज्यादातर पुरुष हैं। पिछले 24 घंटे में ही करीब 18,000 लोग यूक्रेन से वापस लौट आए हैं। रूस को कीव पर कब्जा करने से रोकने के लिए यूक्रेन की सेना और आम लोग भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, मगर रूस अपने हवाई हमलों के जरिए कीव के आसपास छोटे छोटे शहरों को टारगेट कर रहा है और अब खबर है कि 24 से 28 घंटे के अंदर उसकी फौज कीव पर कभी भी कब्जा कर सकती है, जिसे रोकने के लिए यूक्रेन ने भी पूरी ताकत झोंक दी और उसने अपनी इस कार्रवाई के कुछ वीडियो भी जारी किए। इनमें एक वीडियो में देखा कि कीव की ओर तेजी से बढ़ रहे रूस के टैंकों को यूक्रेन ने अपने हमले में तबाह कर दिया। ये हमले इतने सटीक थे कि रूस की फौज को संभलने का मौका तक नहीं मिला और देखते ही देखते उसके कुछ टैंकों के परखच्चे उड़ गए, तो वहीं कुछ आग की भीषण लपटों में घिरे नजर आए। रूसी सेना के इस काफिले में शामिल कुछ टैंकों ने यूक्रेन की इस कार्रवाई से बचने की कोशिश की, मगर उनकी ये कोशिश नाकाफी साबित हुई। इसी तरह एक दूसरे वीडियो में भी यूक्रेन ने हवाई हमले के जरिए रूस के कुछ टैंकों को भारी नुकसान पहुंचाने के सबूत पेश किए और उसने ये दावा भी किया कि इस हवाई हमले में रूस के कई सैनिक मारे गए। राजधानी कीव पर कब्जे के लिए रूस की सेना बीते कई दिनों से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, मगर यूक्रेन की फौज गुरिल्ला वॉर रणनीति के तहत रूसी सेना पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है ताकि कीव को रूस के कब्जे से बचाया जा सके। एक दिन पहले ही कीव पर कब्जे के लिए भेजे गए 64 किलोमीटर लंबे रूसी सेना के दस्ते की रणनीति यहां पर बदल गई और वो कीव के पास के छोटे छोटे शहरों में फैल गया। लेकिन अब ब्रिटेन के खुफिया विभाग ने रूस के इस 64 किलोमीटर लंबे काफिले पर नया दावा किया और यह बताया कि पुतिन की पलटन राजधानी कीव से 25 किलोमीटर दूर है, जिसे रोकने के लिए यूक्रेन की फौज पूरी मुस्तैदी से डटी है। लेकिन रूस ने भी यूक्रेन को धूल चटाने के लिए कीव के आसपास के शहरों पर अपने हवाई हमले और तेज कर दिए, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आईं। इनमें एक तस्वीर में देखा कि यूक्रेन के हथियार डिपो पर रूस ने 6 मिसाइलें दागी, जिससे वहां भीषण आग लग गई। इसकी सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई।